और आइए आपको बताते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुफ्त राशन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, देश के लोगों को बढ़ती महंगाई और गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्त करना तो दूर, उन्हें रोक पाने में बीजेपी फेल रही है। तो बीजेपी पर हमला किया है मायावती ने। आगे कहती हैं कि इसी विफलता के कारण गरीबों को थोड़ा राशन देने को भी बीजेपी एंड कंपनी के लोग चुनाव में भुनाने पर तुले हुए हैं, जो उचित नहीं, क्योंकि ये मेहरबानी नहीं है। मायावती ने आगे कहा कि लोगों को ये थोड़ा सा मुफ्त राशन बीजेपी सरकार का उपकार नहीं, बल्कि लोगों के द्वारा सरकार को दिया गया टैक्स का ही धन है, इसीलिए इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाना अशोभनीय है। ये बता दें आपको, जनसभा में लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए तो मायावती नजर आ ही रही हैं, लेकिन आगे पोस्ट में वो ये भी कहती हैं कि मैं फिर कहती हूं, बीजेपी द्वारा प्रचारित ऐसे फेक वीडियो पर लोग ध्यान ना दें।